हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सौम्या और स्वागत करती हूं आप सभी का मेड इजियर में। मेड इजियर में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक और सारी पैकिंग आइडिया, जो कि बहुत ही सिंपल है बनाना और घर में ही कुछ वेस्ट सामान से आप इसको आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। मेड इजियर पर अगर पहली बार आए हैं तो लाल रंग के बटन को दबा कर सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो इस पैकिंग को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरीके की बास्केट का इस्तेमाल किया है। ये मैंने पास जो बास्केट है वो फ्रूट के साथ में आती है, काफ़ी बड़ी बास्केट है। इसको मैंने इस तरीके से रैप किया है रैपिंग पेपर से। आप चाहें तो इसका जो डिटेल वीडियो है वो देख सकते हैं ऊपर आई बटन में, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दिया हुआ है। तो इसको कैसे रैप करना है आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इसके साथ मुझे यहाँ पर एक और बास्केट की रिक्वायरमेंट है, जो कि इस तरह से थोड़ी सी छोटी इससे लेनी है और जिसका शेप थोड़ा डोम साइज़ का हो। इस तरीके से दो बास्केट्स हमें इस्तेमाल करनी है। अब सबसे पहले मैं इस बास्केट को इसमें फ़िक्स कर दूंगी। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे बिना फिक्स किए हुए भी बना सकते हैं। अगर आपको फ़िक्स करना है तो आपको ग्लूगन की सहायता लेनी पड़ेगी, जिससे ये ईज़िली फिक्स हो जाएगा। अगर आपको इस पैकिंग को थोड़ा दूर ले जाना है या फिर थोड़ा ज़्यादा स्टडी बनाना है तो फिर आप इसको ग्लूगन से ही चिपकाइएगा, अदरवाइज़ ये ईज़िली जो है निकल जाएगी। तो इसको इस तरीके से घुमा के ग्लूगन की सहायता से पूरा आप पेस्ट कर सकते हैं। तो ये इसके ऊपर फिक्स हो जाएगी। उसके बाद हम साड़ी की पैकिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक हैवी बॉर्डर साड़ी ली है, और जिसकी मैं पहले आपको फोल्डिंग मेथड बता रही हूँ कैसे आपको फोल्ड करना है। आपको इस तरीके से पल्लू की साइड से फोल्ड करना है, और जो साड़ी की विड्थ होती है यानी कि जो इसकी लेंथ होती है उसके अलॉन्ग हम फोल्ड करेंगे उसकी विड्थ को थोड़ा छोटा करते हुए। ये देखिए, मैंने इसको हाफ फोल्ड कर दिया है साड़ी को, और इस तरीके से हम इसकी लंबाई के अलॉन्ग इसको फोल्ड करते जाएंगे। अगर आपको इसको पकड़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि बॉर्डर हैवी होता है, इसकी वजह से कभी कभी नहीं ईजिली होल्ड कर पाते हैं, तो आप यहाँ पे छोटे छोटे पिन की सहायता ले सकते हैं। उससे आप जगह जगह पर पिन लगा देंगे, बाद में उसे निकाला भी जा सकता है। इस तरीके से मैं पूरी साड़ी को फोल्ड कर लूँगी, और ये लास्ट एंड पे हम पहुँच गए। अब हम यहाँ से इस तरीके से प्लेट्स बनाना स्टार्ट करेंगे, जैसे कि साड़ी को पहनते समय बनाई जाती है। प्लेट्स थोड़ी बड़ी ही बनानी है जिससे लुक बहुत अच्छा आएगा, और छोटी प्लेट्स बनाने में आपको प्रॉब्लम भी होगी अगर बॉर्डर साड़ी का थोड़ा हैवी है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, और यहाँ पे अगर आप पिन लगाएंगे तो बहुत ईजिली ये काम हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें पूरी साड़ी को फोल्ड करना है। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप इस तरीके से रख कर भी फोल्ड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया है। ऐसे आप रखते जाएं और इसके बाद सेम साइज़ की प्लेट्स इस तरीके से बना लें। बहुत इजी पैकिंग आइडिया है, आप इसे बहुत आसानी से घर में कर सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ का मैंने इस्तेमाल नहीं किया है जो आपको इजीली अवेलेबल ना हो। तो इस तरीके से पूरी साड़ी को फोल्ड करने के बाद हम लास्ट एंड पे पहुंच गए हैं, यानी कि साड़ी के पल्लू की तरफ। मैंने इसको भी फोल्ड कर दिया है। अब मैं पूरी साड़ी को इस तरीके से एक बार आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, साड़ी का साइज़ मैंने छोटा कर लिया है इस तरीके से फोल्ड करके। अब हम इसको इस बास्केट के ऊपर प्लेस करेंगे। तो इस तरीके से प्लेस करने के बाद आप साड़ी को उतना ही बाहर रखिए जितना कि इसका बॉर्डर थोड़ा सा बाहर रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा आप साड़ी को बाहर मत रखिएगा, वरना इसको कैरी करने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो इसको मैंने थोड़ा सा बास्केट के ऊपर ही रखा है, और इस तरीके से जो पीछे का एंड है वो पहले हम पकड़ के रखेंगे और सारी प्लेट्स को फिक्स करेंगे। जिस भी डायरेक्शन में आपको इसे रखना है आप रख सकते हैं। अब मैं आपको ऊपर का फोल्डिंग मेथड बताती हूँ। आप यहाँ पर पिन की सहायता से ऊपर की तरफ फोल्ड करके लगा सकते हैं, उससे भी आसानी से टिक जाएगी क्योंकि बॉर्डर दोनों तरफ हैवी है तो वो बहुत आसानी से टिक जाता है। देख सकते हैं आप, मैं यहाँ पर पिन से सिक्योर करूँगी इसको। मैं आपको यहाँ पर दो मेथड बताऊँगी, जो आपको ईजी लगे वैसे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करके मैंने यहाँ पर पिन्स लगा दिए हैं, देख सकते हैं आप। पिन लगा के आप इसे सिक्योर कर सकते हैं और ये नहीं खुलेगा। अगर आपको लगता है कि प्लेट्स जो हैं अपनी जगह से बार बार हिल रही हैं तो आप उसमें छोटी छोटी आलपिंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पैकिंग खोलने के टाइम पे इजीली निकाली जा सकती हैं। तो इस तरीके से पिन से सिक्योर कर दें इसको। एक मेथड तो ये है, और दूसरा मेथड मैं आपको बताती हूँ कि
कि आपको कैसे करना है। देख सकते हैं आप आगे से प्लेट्स जो हैं कितनी सुंदर लग रही हैं, तो इनको आप आलपिन की सहायता से फिक्स कर दीजिए जैसा भी आप रखना चाहते हैं। उसके बाद दूसरा जो मेथड आपको बता रही हूँ उसमें क्या करना है, इस तरीके से आप उठाकर इसको बास्केट के नीचे भी रख सकते हैं। अगर आपने बास्केट को फिक्स नहीं किया है तो आप इस तरीके से भी इस पैकिंग को ट्राई कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये है कि आप इसको रबर बैंड की सहायता से सिक्योर कर दीजिए, तो ये आसानी से एक जगह पर लगी रहेगी। और अगर आप ऊपर से पिन नहीं लगाना चाहते हैं ज़्यादा, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं इसको। बस आपको यहाँ पर प्लेट्स को सेट करने के लिए छोटे छोटे आलपिन्स का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको आइडिया बता रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर आलपिन्स का यूज़ नहीं किया है। तो आप इस तरीके से भी इस पैकिंग को ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए कितनी आसानी से ये बन जाती है। और उसके बाद जो पीछे का खाली स्पेस है यहाँ, इसको फिल करने के लिए आप यहाँ पे कोई स्टैचू रख सकते हैं। तो मेरे पास ये कृष्ण राधा जी का स्टैचू है, तो वो मैं यहाँ पर प्लेस कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई कपल का स्टैचू या फिर गणेशा का स्टैचू जो कि गिफ्ट किए जाते हैं, कोई भी स्टैचू यहाँ पर रख सकते हैं। या फिर आप स्टैचू नहीं रखना चाहते हैं तो सिंपल बड़े जो फ्लावर्स आते हैं आप उनको भी रख के यहाँ पर डेकोरेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आइडिया अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी डिजर को इस तरह से अपना प्यार देते रहिए, मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लाती रहूँगी। अगर आपको रिक्वेस्ट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर कोशिश करूँगी वीडियो बनाने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरी डिजर, स्टे ट्यून, बाय बाय।